देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ श्रुति राग। लाडली बहनों के खाते में 10 जनवरी को पैसे आएंगे या नहीं, ये सवाल करीब 1.25 करोड़ लाडली बहनाओं की जुबा पर है। आपके सवाल का जवाब मंत्रालय के एक आदेश से साफ है। क्या है आदेश, हम आपको विस्तार से बताते हैं। एमपी में विधानसभा चुनाव 2023 से पहले तब के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना को शुरू किया था, जिसमें प्रदेश की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए दिए जा रहे थे। इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि इसकी राशि को बढ़ाकर 3,000 किया जाएगा। इसके बाद दिसंबर में बीजेपी को चुनाव में बम्पर जीत मिली, जहां इसका श्रेय पूर्व सीएम चौहान ने लाडली बहना योजना को दिया। वहीं नए बने सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कोई बयान नहीं दिया। इसके बाद सागर जिले से भी लाडली बहना योजना के पैसे सरेंडर करने वाला लेटर वायरल हुआ था। तब के बाद से ही इस योजना में मिलने वाली राशि को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई। दरअसल उस समय सीएम की चुप्पी और फिर बाद में सिर्फ इतना कहना कि पूर्व में बीजेपी की तरफ से चलाई जा रही योजनाएं बंद नहीं होंगी, लेकिन सीएम यादव के बयान के बाद भी लोगों को योजना को लेकर शंका थी। प्रदेश की लाडली बहनों के मन में एक ही सवाल है कि क्या 10 जनवरी 2024 को उनके खाते में राशि आएगी या नहीं। वहीं मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आदेश के बाद तस्वीर साफ हो गई है, लाडली बहना के पैसे आएंगे या नहीं। मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए लेटर के अनुसार 10 जनवरी 2024 को सीएम लाडली बहना योजना की पात्र महिलाओं को जनवरी में आर्थिक सहायता राशि का ट्रांसफर किया जाना है, जिसके लिए सभी जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग को निर्देश दिए जा चुके हैं। विभाग की तरफ से 8 जनवरी 2024 को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक अपने जिले में रजिस्टर्ड सभी पात्र बेनिफिशियरी की लिस्ट को पोर्टल पर लॉग इन करके ई पेमेंट करने के लिए बैंक के पास भेजें। महिला एवं बाल विकास विभाग की ई पेमेंट की प्रक्रिया करने के बाद बैंक के पास मंत्रालय के खाते में से पात्र लाडली बहनों के खाते में किस्त की राशि को ट्रांसफर किया जाएगा। यह प्रक्रिया 10 जनवरी 2024 के दिन को होगी। मंत्रालय के इस निर्देश के जारी होने के बाद लाडली बहनों को योजना का पैसा मिलने की गारंटी है। मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आदेश के अनुसार केवल लाडली बहना योजना के पैसे की ट्रांसफर की बात की गई है। जैसा कि पूर्व सीएम ने कहा था कि योजना के पैसे को समय समय पर बढ़ाकर 3,000 तक किया जाएगा, लेकिन मंत्रालय के आदेश में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि कितनी राशि ट्रांसफर की जाएगी। क्या इस बार भी खाते में 1,250 रुपए आएंगे या फिर इस बार 1,500 रुपए होगी किस्त, ये देखने वाली बात होगी। लाडली बहना योजना की बड़ी राशि को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। वजह भी है कि इस योजना के चलते सरकार पर करोड़ों का भार पड़ रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस एमपी।